सपा छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति से मुरादाबाद जिला छात्र सभा की कमान असलम चौधरी को सौंपी है। असलम चौधरी ने आज दलपतपुर से अपना स्वागत समारोह रैली शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सपा छात्र सभा के कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। जुलूस में असलम चौधरी के साथ कुंदरकी के सपा विधायक हाजी रिजवान भी मौजूद रहे। रैली के अंदर आजम खां को रिहा करो के नारे भी गूंजते रहे। असलम चौधरी ने बताया कि वो जल्द ही अपनी कमेटी का गठन करेंगे और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपेंगे। आने वाले यूपी विधानसभा 2022 के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। देखिए, हमारी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि हम जब हमें छात्र सभा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी छात्रों के की लड़ाई लड़ने की। छात्रों का कहीं भी हनन नहीं होने देंगे और जो छात्रों का शिक्षा के नाम पर ठगा जा रहा है, हम ऐसी ठगी बिल्कुल नहीं होने देंगे। और हम जो है अपने छात्र छात्राओं की लड़ाई के लिए हमेशा पूरी तरीके से आगे रहेंगे। हम बहुत जल्द अपनी कमेटी का गठन करेंगे और अपनी कमेटी में मजबूत छात्र छात्राओं को, जो किसी कॉलेज के में एडमिशन है जिनका, और छात्र छात्राओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं उन छात्र छात्राओं को जो अपनी कमेटी में जगह दी जाएगी। 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, छात्र एकजुट होकर समाजवादी को वोट देंगे? देखिए, आज की जो हमारी स्वागत रैली है, ये इसका संदेश सीधा सीधा जाता है। आपने देखा कि सारे छात्र छात्राओं में एक जोश था और सभी छात्र छात्राएं रोड पर इस तरह से आ गए थे जैसे कि कल ही चुनाव होने वाला हो और इस भाजपा की अतताई सरकार को उखाड़ फेंकने का काम बहुत जल्द ये समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग करेंगे। देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय आजम खान साहब, जो कि इस समय जेल में है, वो इस भाजपा सरकार के जो है गलत जो है शिकार हो चुके हैं। इन्होंने गलत तरीके से षड्यंत्रकारी सरकार ने उन्हें षड्यंत्र के तहत जो है उन्हें झूठे मुकदमों में जेल में भेज दिया है। हमने उनकी मांग की रिहाई, आज हमारे सभी साथियों ने हमारे जुलूस में भी उनकी रिहाई की मांग की है और इंशाल्लाह हम जो है उनकी इस लड़ाई को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। शेष नीति ने आपको जिला छात्र सभा का अध्यक्ष बनाया, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरसिंह पटेल साहब का और अपनी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दिग्विजय सिंह देव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर जो है उम्मीद जता करके मुझे जो है इस छात्र सभा का जिलाध्यक्ष बनाया है। मैं उनकी उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतरूंगा और उन्हें जो है अपने समाजवादी जिला समाजवादी की हर बूथ पर जो है मैं उन्हें एक मजबूत सिपाही के रूप में अपना एक कार्यकर्ता दूंगा।